बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आजोज वर्ल्ड। आजोज वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरन, आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ मैं 3 मंजिला फुल आरसीसी मकान जो 4 सेल है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं। इस घर का मुकम्मल टूर मैं आपको करवाता हूँ, तो आइए चलते हैं। ये इस घर का सहन है। 40 गज का ये मकान है और इसमें 3 बेडरूम्स, 3 बाथरूम्स और किचन है। ये पहला बेडरूम आप देख रहे हैं, कलर इसका बिल्कुल फ्रेश है, देख सकते हैं काफी खुला खुला बेडरूम है। आरसीसी ये मकान है, आप देख सकते हैं। सीलिंग डिजाइन भी देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत सीलिंग डिजाइन बने हुए। ये दूसरी तरफ से कमरे का व्यू है। आप चलते हैं सहन की तरफ और ये आप देख सकते हैं सीढ़ी के नीचे ये पानी की मोटर और वाटर टैंक मौजूद है। और आपको अब ये देख लें सहन का जो सीलिंग डिजाइन है, काफी खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है। अब आपको हम करवाते हैं किचन का टूर। तो ये है किचन, किचन में कैबिनेट्स बने हुए हैं और फुल टाइल मार्बल वाला ये किचन है और सिंगल फैमिली के लिए आइडियल है। बिजली पानी गैस यहाँ सब मौजूद है। और आप आपको ले चलते हैं ऊपर की तरफ। वो ऊपर चलने से पहले आपको टूर करवाते हैं वॉशरूम का। तो ये ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम है, फुल टाइल वाला ये वॉशरूम है, देख लें। ये वेंटिलेशन का काफी यहाँ पर इंतजाम है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो नीचे का जो पोर्शन है टाइल मार्बल है और ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये सादा सीमेंट का है, ये इसकी फ्लोरिंग मार्बल की नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर का सहन है, आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल फ्रेश है इसका, सीलिंग डिजाइन और वेंटिलेशन के लिए जालियां लगी हुई है। अब आप कुछ ले चलते हैं दूसरे मास्टर बेडरूम में। ये देख सकते हैं आप रोशनी का काफी इंतजाम है। और ये दूसरा हमारा मास्टर बेडरूम है। साइज तकरीबन जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और फ्लोर के बेडरूम्स का साइज तकरीबन सेम ही है। ये सेकंड बेडरूम है, काफी खुला डुला बेडरूम है, सीलिंग डिजाइन है और खूबसूरत नीचेज है। ये छत पे सीलिंग डिजाइन बनेंगे खूबसूरत और फुल आरसीसी फर्निश ये मकान है। बिजली पानी गैस तमाम यहाँ मौजूद है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं रोजाना ऐसी वीडियो शेयर करता रहता हूँ। और ये आप निकलते हैं सहन की तरफ, फिर आप आपको ले चलते हैं ऊपर। ये राइट साइड पे जो है वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, आप देख सकते हैं लंबाई में काफी अच्छी है, चौड़ाई तकरीबन इसकी 3.5 फुट है। फुली टाइल मार्बल है। किचन बाथरूम तीनों फ्लोर्स के टाइल्स हैं, बाकी ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और फ्लोर सादा है। अब आपको ले चलते हैं फ्लोर है, फ्लोर का सहन देख सकते हैं, माशाल्लाह काफी खुला सहन है। और इस मकान में वेंटिलेशन का काफी इंतजाम है, हवादार ये मकान है बिल्कुल, यानी घुटन वगैरह का यहाँ पर आपको एहसास नहीं होगा। कलर देख सकते हैं आप दीवारों का। अब आपको टूर करवाते हैं तीसरे बेडरूम का। ये तीसरा मास्टर बेडरूम है और यहाँ पर डबल बेड लगी हुई है, साइड टेबल्स हैं और ये अलमारियां भी है दीवारों पे। 40 गज का ये लीज मकान है और किसी किस्म के ड्यूज इस पे नहीं है। बिजली का बिल गैस के बिल सब क्लियर है। ये थर्ड मास्टर बेडरूम आप देख रहे हैं। अब ले चलते हैं आपको छत की तरफ। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी राइट साइड पे वॉशरूम और वॉशिंग एरिया बने हुए हैं।
अच्छा, इस मकान पे जो है नॉर्मल वायरिंग के साथ जनरेटर और जो है ना सोलर और यूपीएस की भी वायरिंग मौजूद है। अच्छा, ये 3 मंजिला आरसीसी मकान है, इसकी सैलर जो डिमांड है 40 लाख रुपए है और इसकी लोकेशन जो है लहरी टाउन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सैलर का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ये छत है इसका, हवादार छत है, बिल्कुल खुला, और वो सामने पानी की टैंक्स लगी हुई है, वॉशिंग एरिया भी है, जनरेटर भी यहीं पर रखा हुआ है। इस ग्राउंड प्लस 2 लीज मकान की लोकेशन आजी जुमा रोड नियर आजी जुमा मस्जिद लियारी टाउन है और इसकी सेलर डिमांड 40 लाख रुपए है। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।